नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसाल वास्तु कंसल्टेंट मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं और हमारी जो सीरीज चल रही है प्लॉट चेन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक और प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है और बहुत सारी वीडियो मेरी आने वाले समय में आ रही है मैं अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ और मेरे को वास्तु विजिट करते हुए चौबीस साल हो गया मेरा जो चौबीस सालों का अनुभव है वो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं घर बनाते समय आपके लिए ऐसे ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूँ जिसे आप अपने यहाँ पर अप्लाई करके अपने घर को सही कर सकते हैं आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है तो भी आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं और आपके घर में कोई दिक्कत चल रही है वास्तु दोष बना हुआ है लेकिन वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर क्या वास्तु दोष है तो आप अपने घर की बाउंड्री वॉल कंपाउंड वॉल को चेक करें आज का जो विषय है वो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट आपका प्लॉट नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है तो आपके यहाँ कंपाउंड वॉल किस प्रकार से होनी चाहिए आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो उसमें आपने बिल्डिंग को बीच में सेंटर में बनाना है और जो आपकी अपनी कंपाउंड वॉल है वो आपकी एक लेवल में होनी चाहिए एक तो पॉइंट बनता है कि सारी दीवारें एक लेवल में होनी चाहिए दूसरा पॉइंट क्या बनता है जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है उसका साउथ वेस्ट वॉल यानी कि साउथ कॉर्नर से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक सबसे ऊंची दीवार साउथ वेस्ट की होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए इसी के साथ में जो आपकी साउथ ईस्ट की वॉल है और नॉर्थ वेस्ट वॉल है ये दोनों दीवारें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल है ये दीवार आपकी नॉर्थ वेस्ट से भी और साउथ ईस्ट से भी दोनों से ही नीची होनी चाहिए इसी के साथ जो नॉर्थ ईस्ट की वॉल है ये पतली भी होनी चाहिए जब आप अपनी चार दीवारी बनाते हैं कंपाउंड वॉल बनाते हैं और फ्रंट की जो दीवार होती है उसमें आप डिज़ाइन बनाते हैं क्योंकि फ्रंट का हिस्सा है और फ्रंट में आजकल हर आदमी ये चाहता है कि मेरा घर बहुत सुंदर बने तो ऐसे में जो फ्रंट की दीवार है वो मोटाई में नौ इंच की तेरह इंच की या अट्ठारह इंच की कर देते हैं कहीं से दीवार मोटी हो जाती है और कहीं से दीवार पतली हो जाती है ऐसा करने से आपके घर की कंपाउंड वॉल में वास्तु दोष बन जाता है जिसके कारण आपके घर के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आती है सबसे पहले तो आपके यहाँ आप सभी के आपस में विचार नहीं मिलते हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं सेकेंड पॉइंट कहीं ना कहीं आपके यहाँ हेल्थ को लेकर भी दिक्कत आती है और जो काम आपके बनने चाहिए वो काम आपके समय पर नहीं बनते बहुत देरी से काम बनते हैं और उस काम के लिए आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है कब जब आपकी कंपाउंड वॉल में फ्रंट की वॉल नॉर्थ ईस्ट वॉल मोटाई में ज़्यादा हो, हो जाती है और ऊंचाई में ज़्यादा हो जाती है किससे साउथ वेस्ट से भी साउथ ईस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट से भी आप ये चाहते हैं कि आपकी बिल्डिंग एक दीवार पर बने और थ्री साइड ओपन हो फ्रंट में भी ओपन एरिया होना चाहिए बैक साइड में भी और साइड में भी ओपन एरिया होना चाहिए तो उसमें आपने ओपन एरिया कहाँ कहाँ रखना फ्रंट में ओपन एरिया रख सकते हैं आप बैक साइड में ओपन एरिया रख सकते हैं और नॉर्थ में ओपन एरिया रख सकते हैं पूरी पूरी बिल्डिंग आपकी साउथ ईस्ट वॉल पर बनती है लेकिन ये एज पर वास्तु ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती आपको अपनी पूरी बिल्डिंग बनानी है तो पूरी बिल्डिंग साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी साउथ वेस्ट की दीवार से नॉर्थ ईस्ट की ओर जितने एरिया आपने बनाना है उतना एरिया आप बना सकते हैं थ्री साइड ओपन करने में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट के नॉम होते हैं जिसमें फ्रंट में भी ओपन एरिया रखना पड़ता है और बैक साइड में भी ओपन एरिया रखना है तो ऐसे में जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो उसके साउथ वेस्ट के भाग में ओपन एरिया रखा जाता है तो ऐसे में आपने अपनी बिल्डिंग कहाँ बनानी है आपने अपनी बिल्डिंग साउथ ईस्ट वॉल पर यहाँ पर आपने अपनी बिल्डिंग बनानी है नॉर्थ ईस्ट का भाग ओपन होगा साउथ वेस्ट का भाग ओपन होगा और नॉर्थ वेस्ट का भाग ओपन होगा तो आपकी बिल्डिंग सारी की सारी साउथ ईस्ट वॉल पर बन जाती है आपके प्लॉट का साइज छोटा है दीवारों का सिस्टम आपने वैसे ही रखना है नॉर्थ ईस्ट की दीवार सबसे नीचे रहेगी साउथ ईस्ट की दीवार और नॉर्थ वेस्ट की दीवार ये सारी आपकी एक लेवल रहेगी जो साउथ वेस्ट की दीवार है ये मोटाई में भी ज़्यादा होगी और ऊंचाई में भी ज़्यादा होगी अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा आपके प्लॉट का साइज छोटा है और आप अपनी बिल्डिंग को लेफ्ट टू राइट दोनों दीवारों पर बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं इस प्रकार से बिल्डिंग बनाना भी एज पर वास्तु अच्छा माना जाता है इसमें आपने फ्रंट के भाग में ओपन एरिया ज़्यादा रखना है और बैक साइड के भाग में ओपन एरिया कम रखना है बैक साइड की दीवार जो साउथ वेस्ट की दीवार है ये दीवार आपकी नौ इंच की तेरह इंच की या अट्ठारह इंच की होनी चाहिए जो साउथ कॉर्नर है और वेस्ट कॉर्नर है ये दोनों दीवारें भी आपके साउथ वेस्ट के हिसाब से बन सकती है लेकिन जो आपकी फ्रंट की दीवार है उसमें ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट ये तीनों दीवारें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए यहाँ पर ये दीवारें ना तो ऊंची होनी चाहिए ना ही नीची होनी चाहिए यानी तीनों दीवारों का जो लेवल है वो एक होना चाहिए और पीछे वाली दीवारों से नीची होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा आप अपने यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हैं आपका अपना कॉलोनी के अंदर प्लॉट और प्लॉट का साइज बड़ा है तो इसमें आपने अपने यहाँ पर जो बिल्डिंग बनानी चाहिए वो बिल्डिंग आपने साउथ वेस्ट वॉल पर इस प्रकार आप बना सकते हैं आपका साउथ ईस्ट में भी ओपन एरिया रह जाता है नॉर्थ वेस्ट में भी ओपन एरिया रह जाता है और फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट में भी ओपन एरिया रह जाता है पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी कहाँ पर बनती है साउथ वेस्ट वॉल पर ऐसे में आपकी जो साउथ वेस्ट में साउथ की दीवार है और जो वेस्ट की दीवार है ये दीवारें आपकी ऊंची होनी चाहिए और मोटाई में ज़्यादा होनी चाहिए साउथ ईस्ट की दीवार और नॉर्थ वेस्ट की दीवार इक्वल होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट की दीवार आपकी नीची होनी चाहिए इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं और मेरी जो सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ में मैंने आज आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो उसमें कंपाउंड वाल आपकी किस प्रकार से बननी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपका घर बन रहा है या बनाने जा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने घर को पर वास्तु बना सकते हैं घर की बाउंड्री वॉल का कंपाउंड वॉल का वास्तु सही कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट पर हमें इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक भी आपकी बिल्डिंग को दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तो तक के लिए नमस्कार